हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे ओल्ड पेंशन सरकार में ये कर्मी एनपीएससी ओपीएस में शामिल होने के लिए 30 नवंबर 2023 तक का लास्ट डेट है और उनके पास अभी क्या विकल्प बचा है, ये पूरी डिस्कस अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी यहाँ पर देखेंगे, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 यानी कि अब 2021 के तहत कर्मचारियों को एनपीएस में आने का विकल्प प्रदान किया है। 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञप्त अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में जो शामिल हुए थे, केंद्र सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों को भी एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम कर्मियों को प्रदान किया गया है। उसके बाद जुलाई में अखिल सेवाओं प्रदान सेवाओं द्वारा चुनिंदा अधिकारियों को यह विकल्प दिया गया। इसके रिटायर्ड कर्मचारियों के तरह ही से पूछा गया कि क्या वे इस विकल्प से फायदा उठा सकते हैं, तो केंद्र सरकार ने उन्हें भी एनपीएससी ओपीएस में जाने का विकल्प प्रदान किया है। इसके लिए कट ऑफ डेट अलग अलग यहां पे रखी गई है, तो जो कि इस वीडियो में आपको पूरे आगे दिखने वाला है। भारत सरकार ने कर्मियों, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा 7 नवंबर को जारी कार्यालय का ज्ञापन में कहा गया कि इस विकल्प को इस्तेमाल करने के लिए केंद्र सरकारों के लिए प्रदत्त अथॉरिटी द्वारा 30 नवंबर तक फाइनल आदेश जारी कर सकती है। पहले इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर 2023 तक किया जाना था, जो कि आगे बढ़ाकर 30 नवंबर तक का ऑर्डर को यहाँ पर फाइनल कर दिया है। अभी यहाँ पे देखेंगे क्यों बढ़ाई गई कट ऑफ डेट। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के पास संबंधित अथॉरिटी या नियुक्ति अथॉरिटी द्वारा इस संबंध में तय अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए आग्रह किया गया था। विभिन्न विभागों में इस तरह के आग्रह पत्रों पर विचार करने के बाद पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में फाइनल निर्णय लेने की कट ऑफ डेट बढ़कर 30 नवंबर कर दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा में नियम 1972-2021 के तहत एनपीएस में ओपीएस में आने का विकल्प प्रदान किया, जो कि 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञप्त या फिर अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल थे। ऐसे कर्मचारियों को 31 अगस्त तक किसी भी एक विकल्प का चयन करने की मोहलत दी गई है और ये आदेश मार्च 2023 से जारी किए गए थे। कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जो उस आदेश से पहले रिटायर हो गए। पिछले दिनों में उन्हें पूछा गया क्या इन्हें आप अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात एनपीएस में ओपीएस में शामिल होने का विकल्प मिलेगा। सरकार ने यह कहा कि ओपीएस में आ सकते हैं, बेशर्त उन्हें कुछ शर्त करनी होगी। अभी आगे यहाँ पे देखेंगे 22 दिसंबर 2003 से पहले हुई पूरी हुई भर्ती प्रक्रिया। केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों को जो जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए थे लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया उक्त तिथि उनसे पहले पूरी हो चुकी, उससे पदों विज्ञापन लेकर भर्ती प्रक्रिया औपचारिक शामिल है। किन्हीं कारणों से कर्मचारी जनवरी 2004 के बाद में सेवा में आए, 22-2023 को एनपीएस में लागू होने से पहले कर्मचारियों का फाइनल रिजल्ट आ चुका है लेकिन ज्वाइनिंग पहले बाद मिली है, तो ऐसे में पुरानी पेंशन सरकार केंद्र में बड़ी संख्या में केंद्रीय सिविल सेवा में विस्तार करने के लिए अनुरोध यहाँ पे प्राप्त किया गया है। अभी देखेंगे कर्मचारियों ने उच्च न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरणों की शरण ली। यहाँ से जब उन्होंने पक्ष में फैसले हुए तो केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को उन सभी कर्मियों को ओपीएस में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया है। इसके लिए कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपना विकल्प देना था, जो कि सरकार ने एनपीएस में शामिल चुनिंदा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का विकल्प प्रदान किया था। सरकार ने 13 जुलाई 2023 में अपने आदेश में कहा गया कि ऐसे ओपीएस अधिकारी को जिन्हें 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस में अधिसूची में पहले विज्ञप्त अधिसूची रिक्तों के खिलाफ नियुक्त किया गया था उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया है। पहले जनवरी 2024 या उसके बाद में सेवा में आए थे और ये नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना में लागू किया गया था। तो अभी ये उनके पास जो भी विकल्प है प्रावधानों के तहत कवर करने का एक मुक्त विकल्प दिया जा सकता है। उस शर्त पर आने वाले ओपीएस अधिकारी एनपीएस ओपीएस में स्विच करने के लिए 30 नवंबर 2023 तक अपने विकल्प सरकार में स्पष्ट किया। यह विकल्प
उनके पास अंतिम मौका होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।